हेलो फ्रेंड्स, आज अभी हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय 11, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय 11 उसके शॉर्टकट ट्रिक्स देखते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद हम लोग आज हम लोग एक न्यू सीरीज भी स्टार्ट करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। अभी हम लोग अर्थमेटिक्स का एक सीरीज आएगा वैदिक मैथ्स में, उसके बाद आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एल्जिब्रा का एक सीरीज आएगा वैदिक मैथ्स में, क्योंकि आपने अभी तक एल्जिब्रा ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा है, पर आप अगर वैदिक मैथ्स एल्जिब्रा पढ़ेंगे इक्वेशंस, प्रोडक्ट्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसलिए आपको ये मेरा आखिरी तक मेरा वीडियो देखिएगा और उसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर 11 से किसी भी संख्या को गुणा करने से क्या मिलता है, 11 से किसी भी संख्या से मल्टीप्लिकेशन करने से क्या। तो आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय 11 गुणा 11 का 11 का गुणा किसी भी संख्या से, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला 11 × 11 सबको पता 121, 1 से लेकर 11 तक सभी को टेबल्स आता, सभी को पहाड़े याद रहते, तो सभी को 11 तक सभी को टेबल आता है, पर उसके आगे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो इस टेक्निक से आपको टेबल्स भी याद हो जाएंगे और प्लस आपको ये सारी चीजें अपने फिंगर्स पे आप कैलकुलेशंस कर लेने। और फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जो भी कैलकुलेशंस करेंगे आप अपने राइट और लेफ्ट हैंड्स के फिंगर्स का यूज कीजिए, उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन का भी एक्सरसाइज हो जाएगा और आपका ब्रेन भी बढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे कितने संख्या, 2, यहाँ पे भी 2 है। अगर हम 1 से किसी को भी करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 + 1 = 2 होता है और 1 × 1 1 ही रहेगा। हमने क्या किया फिर से बताता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 × 1 1 ही रहेगा, 1 + 1 = 2 और लास्ट में 1 था, 1 डाल दिया। अब दूसरी संख्या लेते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं, अभी मान लीजिए 12 × 11 भाई, ये लास्ट नंबर 2 है, 2 से 1 को करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 ही लेना है, 2 + 1 = 3 और 1 × 1 1 ही रहेगा ना, आपका आखिरी में 1 है तो 1 ही डाल दीजिए, हो गया आपका आंसर। अब एक और इससे बड़ा नंबर लेते हैं, तीसरी एग्जाम्पल 131 × 11 लेते हैं, 1 का 1 ही रहेगा, 3 + 1 = 4 हो जाएगा, 3 + 1 = 4 हो जाएगा और फिर से 3 + 1 = 4 और 1 का 1, ये आ गया आपका आंसर। अभी इससे बड़ी संख्या लेते हैं, इससे बड़ी संख्या ले लेते हैं, 1562 × 11 करते हैं, ये 2 का 2 ही रहेगा, 2 + 6 कितना हो जाएगा, 2 + 6 आपका 8 हो जाएगा, 6 + 5 = 11, 1 = 11 और 1 आपका हासिल बच गया, 1 बच गया, 5 + 1 = 6, 6 + 1 = 7, ये जो कैरी था उसको हमने यहाँ कैरी किया, 5 + 1 = 6, 6 + 1 = 7 और 1 का 1, ये आपका आंसर आ गया, समझ गए। अब एक और ले लेते हैं, इससे बड़ा संख्या ले लेते हैं, 1358 × 11 करते हैं, लास्ट संख्या 0 0 आएगा ही, 0 + 8 = 8, 8 + 5 = 13, 1 हासिल बच गया, यहाँ 8 + 5 = 13 यहाँ लग दीजिए, 5 + 3 = 8, 8 + 1 = 9, 9 आ गया, 3 + 1 = 4 और 1 का 1, ये आपका आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स ऐसे भी कर सकते, देखिए 1 का 1, 3 + 1 = 4, 5 + 3 = 8, हेलो फ्रेंड्स, हेलो 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 फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया 11 से कैसे करना है। आपको हमेशा 11 का मल्टीप्लिकेशन, हालांकि 11 का गुणा आपको पीछे से लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए अभी हमने क्या किया, 0 और ये क्या होगा, 0 और 8 = 8, 5 और 8 = 13, 13 का 3, 1 = 11, 5 × 8 = 9, 3 + 1 = 4 और 1 का 1। अगर आप हम ऐसे लेते तो देखिए आपको थोड़ा सा तकलीफ जाएंगे, 1 आ गया, 3 और 1 = 4 आ गया, 5 × 3 = 8 आ गया, तो यहाँ पे तो 8 आएगा, तो अगर आप यहां से लेते हैं ना तो आपका गलत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहां से लेना है, 8 5 और 8 कितना हो गया, 13 हो गया ना आपका, 13 हो गया, फिर आपका कितना बच गया, 1 बच गया, 8 और 0
8 और 0 8 8 और 1 9, तो फिर आपका एक गलत हो जाएगा। इसलिए आप है ना हमेशा हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से नंबर्स को ऐसे लेके आए, समझ गए। अब आप यहां पे देखिए 2 का 2 6 और 2 8 6 5 11, 1 बज गया 5 आपका बज गया, 5 और 1 6 6 और 1 7 और 1 का 1 हो गया। अगर आप ऐसे लेते तो 1 का 1 5 और 1 6 आएगा 6 5 11 आएगा 6 2 8 और 6 2 8 और 1 9 आएगा और 2 का 2 गलत हो जाएगा। इसलिए ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट से लेफ्ट को लेके आना, राइट साइड से लेफ्ट को लेके आना है, लेफ्ट से राइट को लेके नहीं जाना है। ये था 11th का मल्टीप्लिकेशन। यस यस यस। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जाके घंटी बजाइए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, आई हैव अ नाइस।